अस्सलामुअलैकुम, GT6 न्यूज के साथ मैं हुराबिया अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ऐसे अनासिर को पुरजोर मुसम्मत करती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। शेख रशीद की मरियम नवाज को मुखातिब करने की औकात नहीं, वो अपनी औकात में रहे और अपनी हद पार ना करें, वरना इन्हें ये मामला महंगा पड़ेगा। राणा सनाउल्लाह की शेख रशीद को वार्निंग। कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 6 अफराद कोरोना से जाबाक हो गए। 467 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध के बाद पंजाब में भी मुतासरीन की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। महंगाई से सताई गरीब आवाम के लिए एक अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का छोटे कारोबार पर लाइसेंस फीस खत्म करने का फैसला। इंटरमीडिएट के लिए समार्ट सिलेबस सर्विंग स्कूल और कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान की तजवीज मंजूर। एमटी टेक्स्ट बुक बोर्ड की सरबराही में कमेटी कायम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हस्पताल से छुट्टी, व्हाइट हाउस पहुंचते ही मास्क उतार दिया। सिंगापुर हुकूमत की कोरोना के दौरान बच्चे पैदा करने पर बोनस की पेशकश। हजरत दाता गंजबख्श के उर्स की तकरीबात शुरू। ज़ायरी ने उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल। DIG ऑपरेशन लाहौर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात एक वक्फे के बाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से गुजरांवाला से मुस्लिम लीग दून के MNA चौधरी अशरफ अंसारी ने मुलाकात की, जिसमें बहमी दिलचस्पी अमूर पर बातचीत की गई। गुजरांवाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलों पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम से मुखलिस नहीं। उनका मजीद कहना था कि इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज के गुजरांवाला में जलसे के ऐलान से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। हुकूमत का चूट अब नहीं चलेगा। गुजरांवाला जलसे से PDM की सरगर्मियों का आगाज होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 28,280 टेस्ट किए गए, जिनमें से 457 केसेस पॉजिटिव आए। मुल्क भर में मजमूई तादाद 3,15,727 तक जा पहुंची। सिंध के बाद अब पंजाब में भी मुतासरीन की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबार पर साबिका बल्दियाती सेटअप में आयद की गई लाइसेंस फीस खत्म करने का फैसला किया। छोटे कारोबार पर लाइसेंस फीस खत्म करने की समरी काबीना सब कमेटी को भिजवा दी गई है, जिसकी मंजूरी से 50 नौयत के छोटे कारोबार से मुंसलिक लाखों अफराद को रिलीफ मिलेगा। इंटरमीडिएट के लिए स्मार्ट सिलेबस की सर्विंग स्कूल और कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। MT टेक्स्ट बुक बोर्ड की सरबराही में इंटरमीडिएट स्मार्ट सिलेबस मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्पताल से वापसी पर मास्क पहन रखा था, लेकिन व्हाइट हाउस पहुँचते ही मास्क उतार दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना को अपनी ज़िंदगी पर हावी करने की ज़रूरत नहीं, कोरोना से डरने की भी ज़रूरत नहीं। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहां पैदाइश की शरह पूरी दुनिया में सबसे कम है। हुकूमत कई दहाइयों से उसे फ़रोग देने के लिए कोशिशें कर रही हैं। सिंगापुर की हुकूमत ने अब पैदाइश को फ़रोग देने के लिए वबा के दौरान बच्चे पैदा करने पर बोनस की पेशकश की है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अल हजवेरी का 977वां उर्स। लाहौर पुलिस के जारी ने उर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। DIG ऑपरेशन लाहौर इशफाक खान का कहना था कि 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GT6News.TV।